वैसे तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, वो सवाल है वेयर इज चीकू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरी, थोड़ा सा वेरी गुड मॉर्निंग के साथ सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं, स्वस्थ हूं, जय श्री राम। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, हेयर कट करवा रहे हैं बजे सुबह के 10 और बस मेरी तरह। सो अभी गाइस हेयर कट हो चुके एकदम हेवी वाले। हम हमारे एडिटिंग रूम के लिए जो स्पीकर लेने हैं ना, एक छोटे से वो लेने के लिए आए, क्योंकि बड़े वाला हमारा स्पीकर है जो वो बाहर लगे हैं, लेकिन अंदर एडिटिंग रूम में फिर कोई स्पीकर नहीं है, हमको हेडफोन में ही सुनना पड़ता है। तो हमने सोचा कि खर्चा करते हैं थोड़ा। या मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है? चाय बना रही है। मस्त बाल काटे ना, हैंडसम लग रहा हूँ ना, क्या लग रहा हूँ? अजीब रास्ता है ये भाई, पूरी पूरी किट के साथ आज आ चुके ऑफिस, क्योंकि भाई धूप इतनी है तो टू व्हील पे तो भाई हालत खराब हो जाती है। तो ये सब कुछ चीजें लिए, ये चीज मैंने अभी के लिए नहीं ली क्योंकि बाद में तो अपने को कार में ही आना है, लेकिन कल सूट है ना, तो कल पूरा दिन सूट रहेगा, तो मैंने सोचा ये एक चीज मंगवा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये प्लस कल 400-500 किलो सनस्क्रीन भी लगाना पड़ेगा। कल मैं आपको दिखाऊंगा हम सुबह कैसे दिख रहे हैं और शाम को सूट खत्म होने के बाद कैसे दिखेंगे, वो देखना आप। ठीक है, अच्छा तो निकल। अच्छा ओए, इधर का क्या हुआ? ये सब साफ सुथरा किया गया इसने? तूने ना हुआ पूरा किया अंदर से भी? ओ क्या बात है भाई, इधर आइए। नहीं ये है कवि ने फ्रेंड्स बेस्ट बॉलर सपोर्टर की ट्रॉफी देव के। हाँ मस्त हो गया, कल आ गए भाई, कल आ गए। कौन आ रहा? राजस्थान आ रहा? राजस्थान आ रहा कल का? राजस्थान जीत गया, जीता तो दिल्ली आ गए। हाँ तो मैं जीता ना, मैंने बोला मेरा लक बहुत है, मेरे को सट्टाबाजी पे उतरना पड़ेगा, लेकिन तब उतरूंगा ना तब लक चला जाएगा। मेरे को कल की मैच में इंटरेस्ट नहीं था भाई। हाँ मेरे को बेकार थी। आज आरसीबी एंड, आज तो मजा आएगा आरसीबी एंड केकेआर, आज तो देखने की चीज है भाई, केकेआर भी ने भाई ध्रुव के सामने बोलना मजा आएगा। ध्रुव और मैं साथ में ही थे, हेयर कट करवाने गए। क्या हुआ बताया? आज सुबह उन्नति का कॉल आया। क्या हुआ अब तो समझ गया होगा फिर से मैंने पैसा लगा ना क्या है? अरे नहीं यार नहीं समझ, चार्जर मिल गया। इसकी कार में था, मैंने ही रखा था, लेकिन मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, मेरे को चार्जर बेचने का है किसी को चीज। अबे साले आईआरसीबी ब्रो, ऑब्वियसली पूछने का ही नहीं। केकेआर मेरा भी केकेआर देखा जाए आज, दोनों टक्कर की टीम ही है। अरे लाइन में घसरूंगा तुम लोग को, निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल, देखते है तू नहीं घसरे ये जगह कल हमारे भाई कल सूट भी है। ओह माय बॉय, हार गया बेचारा। मत कर सपोर्ट किसी टीम को, हरा मत, अच्छी टीम को हरा दिया तूने सपोर्ट करके, ठीक है रे ब्रो। आज भी केकेआर को सपोर्ट कर रहा है, वापस केकेआर हारेगी यार, केकेआर तो जीतेगा यार। कल क्या वो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड वाली मैच थी कुछ ऐसा, बस ऐसे ही बोल दिया वाली थी, आज है ना मेन, आज एकदम इंटरेस्ट वाली है। अरे हो, अरे भाई क्या टक्कर लेगा तू यार भाई, आरसीबी ब्रो केकेआर कोड़ बोल रे जीत बोरे। तुम्हारा क्या है गाना आता है, तेरा क्या है किंग फिशर? पीके सुन हो जाओ, पीका कोई सॉन्ग नहीं है? अरे है ना भाई गाना तो फिशर 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 किंग फिशर कुछ भी। ये आरसीबी का फैन हो गया उसका एकदम नहीं पता इसको। अरे तो नहीं करना है ना भाई, अपन तो भाई दिल से है, दिल से है ऊपर तो वो क्या बोलते हैं, तुम लोग सॉन्ग बॉन्ग देख के आते हो, हम लोग ऐसे ही वर्षों से। क्या नाम है बे आरसीबी का, वो कौन है? विराट कोहली। ओनर कौन है? विजय माल्या का हाथ है तुम्हारे सर पे ना, गलत इन्फॉर्मेशन। आरसीबी का ओनर कौन है अभी? जो भी है वो विराट कोहली। हाँ विराट कोहली। यहाँ पे ये पर्दा है, ये पर्दा नहीं है सॉरी, यहाँ पे हम पर्दा बनाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज बहुत सारी धूप है और हमें पर्दा लगाना भी नहीं है। तो भिकारी हो, भिकारी। तो हम पेपर से कवर करेंगे। साला यहाँ पे कोई नदी वदी होती तो भाई क्या ही मजा आता है, प्रॉपर सी मिलता है देख, और सामने नदी वदी होती जहाँ से डायरेक्ट एक तालाब बना रही, क्या बोलते हैं उसको, लिसर पट्टी होती डायरेक्ट जाके उधर नदी, ये तालाब बनवा देते। अपना ही मतलब ये जमीन जो दिख रही है यहाँ से वहाँ तक वो सारी हमारी है, पूरी जमीन ही हमारी, ये प्रॉपर्टी भी आपका है क्या? नहीं। पहले तो हम ये जो पेपर्स है ना वो रिमूव करेंगे, ये कोई ऐसे वैसे पेपर्स नहीं है, ये
बाहर से आती हुई 50 डिग्री टेम्परेचर को कूलिंग करके अंदर फेंकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर जैसा दिख रहा होगा लेकिन नहीं, ये न्यूज़पेपर नहीं है। ये देखो न्यूज़पेपर एक्चुअली में वाइट रहते हैं लेकिन ये इसका येलो का टेक्सचर ब्लेंड होके मिक्सचअप हुआ हुआ है, उसके कारण जो भी गर्म डिग्री आती है ना सन के, जो रिफ्लेक्ट होके जो हमारी नेचुरल स्क्रीन को जो डैमेज करता है ना, वो ये रोकता है। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बचियो, दगड़ दल्ली मादे बचियो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। मतलब ये बहुत महंगा था, कितने का पेपर है? एक पेपर ही 5.5 लाख का है। एक पेपर 5.5 लाख का है। किसने दिए? दिए किसने? उसको मंदिर बनाना इधर बोल तो। क्या पता कौन लाया, अब खाली बोलने का है। ये जो पेपर्स बहुत महंगे, वो जस्ट अभी हमने ऑर्डर किया है, 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ है। आपको भी ऑर्डर करना है तो हमारा कूपन कोड यूज करो और ऑर्डर करो। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है। अभी लग रहे हैं यहाँ पे ये 1.5 करोड़ का है, 5 लाख का नहीं है भाई, 1.5 करोड़ का बोल रहे हैं। मुझे तो बताया कर पहले। कंपनी में जो भी वर्क होता है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होता है, ये जो भी रॉ मटेरियल वेस्ट होता है हम सीधा यहाँ से बाहर फेंकते हैं और प्रॉपर सेफ्टी में काम होता है। देखो यहाँ पे पूरा बांधा हुआ है इनको, यहाँ से गिरे तो गिरे, प्रॉपर सेफ्टी में काम होता है। ये देखो कटर बटर लेके, हाँ क्या चाहिए अब? इतना पगार है तुम्हारा 20 में 50 का काम? अभी देखो इधर मस्त अंधेरा हो गया, अभी सोएगा यहाँ पे पब्लिक। प्लीज वर्क डन। चल देव, दूसरे बहुत ऑर्डर आए, जाना है, क्लाइंट के कॉल पे कॉल आ रहा है, चल फटाफट। देव बहुत दिल से काम करता है, देखो अभी भी कुछ ना कुछ वो करते करते कट करते करते सभी कट कर देगा। यहाँ पे देखो अंदर कुछ ऐसा दिखता है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है, हमारी एक ही शाखा है। कोई मन गिणत जो नाम, हमारे नाम क्या है लेकिन हमारी कंपनी का, अर्बन खिड़की। ये जो सारा मटेरियल है अफ्रीका से आता है हमारा गाइस, के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब अकबर की बॉल पेन से लिखा है। बहुत महंगी चीज है ये, आप सोचे वैसी नहीं है, चोर आए और खाली ये पेपर चुरा के चला जाए तो ही वो करोड़पति हो जाए, इतना महंगा है। यहाँ पे अंदर सब अंधेरा हो गया मस्त, एसी ऑन कर देते हैं, ऑन ही है, चलो। सो गाइस अंदर से मैंने बंद कर दिया है, हमारे जो एम्प्लॉय है बाहर फंस चुके हैं, ठोक रहे हैं। क्या है भाई, चलो आ जाओ फटाफट अंदर, रुको क्रेन से हमारी जो सेफ्टी रहती है पूरी, क्रेन से हमारे एम्प्लॉय को पकड़ा होता है। रुक इधर से रहना, क्रेन दिखनी नहीं चाहिए, क्रेन दिखनी नहीं चाहिए। पूरा यार मेहनत पसीना खून बह चुका है देव का। हाँ क्रेन जाने दो, अभी सेफ है हमारे एम्प्लॉय। चलो वाह, चलो सो जाओ। पूरा एस्थेटिक लगता है यहाँ से आप देखे तो। मैं अभी लाइट का मजा, 1, 2 and 3। आइसक्रीम पार्लर लगा देना, ध्रुव को सोने का अलग ही मजा है। देख अभी देखो भाई, आज फिर एकदम चकाचक, देव और रोहित ने मिलकर साफ किया सब, नाइस। दिवाली थी आज ना, दिवाली थी ऐसा है ना, पर से सब साफ किए मकड़ी के जाले, वो तो कुछ है ही नहीं, वही मेन है वो करना। सैलरी मांगने मत आना आप, सॉरी सॉरी भाई, खाली 2 रील शूट करने ही जाना है। इसमें क्या है, ये बैग पहन के एकदम प्रॉपर तू रेडी हो गया, पहन तो क्या उसमें भी हो गया क्या, अभी जीरो ले जिंदगी उसमें भी ट्रिप करने का है लोग। अरे क्या है, क्या जीरो है, क्या तुरंत उधर से नीचे फिर जाना पड़ गया, कोई कॉल वॉल आ गया तो, है ना। तो यहाँ पे हम रील शूट कर रहे हैं और मेरे को पकड़ना, मेरे को जरूरत थी शूज की, मैंने चप्पल पहनी और मैंने देव के शूज पहने और लेकिन क्या परफेक्ट मैच हो रहा है। तो थैंक यू देव मुझे शूज गिफ्ट करने के लिए, ले ही बोलेगा ना, 200 रुपए के ही है। स्टूडियो में सेल का चल रहा था तब लिए थे लेकिन अच्छे, रियली में अच्छे अच्छे ना, तेरे भाई ने भी लिए। हाँ उसने भी लिए। क्या है भाई, कौन जीतेगा? CSK और GT? मुंबई मुंबई नहीं, मुंबई बिल्कुल। इतना अच्छा, इतना अच्छा तो हार्दिक पांड्या, इतना अच्छा कैप्टन है हार्दिक पांड्या। हार्दिक का भाई सब जगह ऐसा ही हो गया, लेकिन रिस्पेक्ट टू हिम, हम तो खाली रील बनाते हैं मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रील्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्रिएटर को इतनी फ्रीडम होती है कि वो क्रिएटिव वे में किसी को रोस्ट करे, ऐसी चीजें करे। तो भाई मैं अभी वही कर रहा हूँ, मैं हार्दिक को ही टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में भाई हार्दिक के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ मतलब थोड़ी कम हो गई है लेकिन क्या करे। सो आज भाई सबको जल्दी छुट्टी मिल गई है, सब जा रहे घर, मम्मी आज वो पूछते ही है। RCB हारने वाला है, वो तो ध्यान में रखना। क्या प्रमोशन है, तो भाई कल शूट है इसलिए आज सबको जल्दी फ्री कर रहे हैं, कल बहुत जल्दी हमको उठना पड़े ऐसा है क्योंकि धूप जल्दी आ जाएगी, वो जो कि आने ही वाली है कुछ होने का, धूप जितना जल्दी आ जाएगी। आज एटमॉस्फेयर कैसा था, बहुत बहुत लेकिन गर्म तो था ही। हाँ वैसा रहे तो भी चले। माफिया मुंडीर हनी सिंह की गेम में था पहले, तू मुझसे वाला
क्या लगता है तेरे को, तू कैसा दिखता होगा? तू ऐसा सोचता होगा ना कि पूरे रोड पे सब मेरे को ही देखते होंगे? और एक ओ माँ ओ ओ या माँ ब्रो चबरी अल्ट्रा प्रो एक्स ब्रो क्या बन रहा है भाई? तू मैगी मारी बना मुझे डबल मसाला डाल। घर पे आ चुके, खाना बना खा के फ्री हो चुके हैं। सो आज मैंने सोचा कि मैंने कल बोला था क्यू एन ए के आपके कुछ आंसर्स दूंगा, तो आज ले लेते हैं। और सबसे मेन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है उसका आज मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के आंसर देने वाला हूँ। वैसे तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है, लेकिन आज गेमर 777 26 से ये सवाल का आंसर देने की ट्राई करते हैं। वो सवाल है, वेयर इज चीकू? देखो इसका जवाब थोड़ा लंबा जा सकता है। चीकू जो हमारी प्यारी सी चुटकुली सी, तो आपने मैं जो लास्ट टाइम जिसको नहीं पता उसको बता दूं, चीकू मेरा बर्ड था लास्ट टाइम जब मैं व्लॉग करता था, तब वो डेली व्लॉग करता था, मैंने बीच में एक साल गैप लिया था, उसके पहले मैं लाया था चीकू को। तो चीकू मतलब बर्ड्स अगर आप पाल रहे हो ना, तो पहले एक इंस्ट्रक्शन दूं कि बर्ड्स पालना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत एनिमल्स और सब चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बर्ड्स मैं आज के बाद कभी नहीं लाऊंगा, कभी भी नहीं। चीकू का तो सब चीज़ अच्छी चल रही, चीकू की जर्नी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही है यहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि जब लाए फिर हुआ ये वो फलाना ढिका, बीच में चीकू उड़ गई और 3 दिन बाद मिली मेरी सोसाइटी की बाजू की सोसाइटी में जाके गिर गई थी। हमने बहुत ढूंढा था उसे, बहुत ढूंढा था चीकू को। वो पूरी स्टोरी मैंने डिस्क्राइब की थी कि क्या हुआ था क्या नहीं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ दिख रही होगी आपको मिल जाएगी, उस पर पूरा वीडियो बनाया था। तो चीकू फिर मिली थी, 3 दिन परेशान होने के बाद हमें चीकू मिली थी। भगवान की देन थी कि एक लड़का बोलते बोलते कि चीकू मिल है यहाँ पे, मैंने देखा उधर गए, तो वो लोग ने वो पूरा वीडियो आप देखना। तो ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन जर्नी रही है, फिर बीच में कभी कभी बीमार भी पड़ी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, हम जहाँ मीटिंग करने बैठते थे रोज रात को चाय की टपरी पे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे ऐसे नॉर्मली, अचानक रात को 10:30 बजे पापा का मेरे को कॉल आता था, फटाफटा चीकू को कुछ हो गया। मैं बोला क्या हो गया, तो बोली कि वो उसके पिंजरे के ऊपर एक झूला था पिंजरे के अंदर, तो झूले पे से गिर गई है और अब कुछ मूवमेंट नहीं दे रही है। तो फटाफट मैं इतनी स्पीड में घर पे आया और ऑलरेडी उसको मम्मी पापा भाई भाभी सब पानी दे रहे थे, ये करने थे, उसको जगाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसकी आंख थोड़ी खुल बन हो रही थी ऐसे। फिर मैंने हाथ में लिया, मैं उसको ट्राई कर रहा था थोड़ा पानी वानी पिलाने की, और भाई वो नहीं बची। अब हमने पता लगाया तो उसको एक इन्फेक्शन हो गया था जो अंदर हो जाता है, अभी इसको पता ही नहीं चला, बहुत मुश्किल रहता है, पता नहीं हम उसके लिए काबिल नहीं थे कि पता नहीं, लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। पहली बार ऐसा कोई जो मैं बहुत एनिमल को प्यार करता हूँ लेकिन ऐसे मरते हुए देखा। तो चीकू नहीं रही है, उसको करीबन 1-1.5 साल हो गया है। मैंने कभी शेयर नहीं किया ब्लॉग में क्योंकि मेरे को नहीं करना था, क्योंकि मम्मी और भाभी और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मम्मी तो 2 दिन रो भी रही थी, भाभी भी रो रही थी, क्योंकि अटैचमेंट हो जाता ना चीकू, इतनी छोटी सी लेकिन इतनी प्यारी। रोज दोपहर होते मम्मी पापा उसको बाहर निकालते पिंजरे के खिलाते, अपने साथ ही उनके साथ ही सोती थी और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो उसके चलते मैं वो बात निकालना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मम्मी भी पापा भी ब्लॉग्स देखते तो सबके आपके कमेंटें भी देखते, तो फिर उसके लेके प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, अभी तो हम ओवरकम भी हो चुके उससे, तो मैंने सोचा के बता देते हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया और आप लोगों को मैं एक लिमिट तक इग्नोर कर सकता हूँ, बाद इतना तो इग्नोर नहीं कर सकता आपके कोई क्वेश्चन को, तो ये बताना जरूरी था। चीकू हमारे साथ नहीं, लेकिन जहाँ भी होगी खुश होगी, बाकी इसका गिल्ट हमेशा रहेगा मुझे हमेशा, और कभी भी मैं बर्ड तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि जो उनके अंदर क्या चल रहा था उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया था कैसे पता करें, पता ही नहीं चला, उसके मूवमेंट तो सब ओके तब अच्छा ही था पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत्विक चावड़ा की, भाई आपके एंगेजमेंट हो गए? नहीं भाई, मेरी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई, लेकिन हाँ फिक्स हो गया है हमारा, वो सारी डिटेल मैं आपको बता दूँ, लेकिन एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुई है, बस जल्दी करेंगे, जल्द ही बातचीत चल रही है सब बैक कैमरा बहुत सारी, तो तब पता चलेगा एंगेजमेंट के बारे में और आपको बताऊंगा प्रॉपर अच्छे से, विदाउट फ्रैंक ये बिना बताऊंगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलेटा स्लैश बॉय का, पता नहीं कैसा नाम है, कि आप अपने पापा को जग्गू डॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई पहले सब उनको जग्गू डॉन ही बोलते थे, मतलब पहले हम जा रहते थे वहाँ थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविल द्वारकर का, भाई फिर से प्यार हो गया सॉन्ग पे भाई का। देखो मैं बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड था, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया बहुत सारी चीजों के कारण वो सॉन्ग नहीं ला पाए, लेकिन मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का सोच रहा हूँ और सॉन्ग वाला मूड आया नहीं अभी तक, मेरे पास 5-6 सॉन्ग पेंडिंग पड़े हुए, तो वो मूड मेरे को ला
आना पड़ेगा अभी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आपको एक नया कुछ नई चीज देनी है। तो है मेरे पास 4-5 सॉन्ग, फिर से प्यार हो गया लाएंगे पहले या फिर वो दूसरे वाले लाएंगे वो देखते हैं, लेकिन जो भी लाएंगे धमाकेदार लाएंगे। सो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, बाकी कुछ लोग रहेंगे उसके लिए सॉरी, लेकिन बीच बीच में हम ऐसे आंसर देते रहेंगे आपके क्वेश्चन से जिससे हम कनेक्ट रहे। बाकी कल हमारा शूट है 7 बजे हमें पहुंचना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे तो बहुत भयंकर धूप आ जाएगी, तो देखते हैं कल थोड़ा लोड ज्यादा रहेगा तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। अभी बजे हैं 9:30, मैं आज सोच रहा हूँ कि 10:30 तक तो सो ही जाओ। बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, कल मजा आएगा।